जैसे अब नेक्स्ट हमने कल जो कैलेंडरिंग के हम बारे में बात कर रहे थे, तो कैलेंडरिंग में क्या है, कल हमने सिंपल कैलेंडरिंग की बात की थी। सिंपल कैलेंडरिंग में आपके नॉर्मल आपके हीटेड रोलर्स रहेंगे, जो हाई प्रेशर हाई वेट से फैब्रिक को हम दो रोलर, जो अपर रोलर है और लोअर रोलर है, उसके बीच में से फैब्रिक पास करेंगे, तो दोनों में प्रेशर बहुत हाई होता है। तो बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर इट फ्लैटन द यार्न, यार्न का जो क्रॉस सेक्शन है उसको फ्लैटन करके ये आपके एयर परमेबिलिटी डिक्रीज करता है, और यार्न का जो सेट बोलते हैं ना ईपीआई पीपीआई उसको इंक्रीज करता है। उसकी वजह से आपके फैब्रिक पे शाइनिंग या ब्राइटनेस और लस्टरस आपके फैब्रिक पे आती है, और स्मूथ फील होता है कपड़ा, और सॉफ्टनेस भी थोड़ी बहुत इम्पार्ट होती है। सिंपल कैलेंडरिंग, तो कैलेंडरिंग में क्या है कि अलग अलग रोलर हम यूज करते हैं, अलग अलग रोलर अरेंजमेंट यूज करते हैं, उसके नाम अकॉर्डिंग कैलेंडरिंग के अलग अलग नाम दिए हुए हैं। वो कैलेंडरिंग ही, लेकिन कहीं उसको कुछ अलग स्पेशल नाम से बोला गया है। जैसे कि ये मैं बता रहा हूँ, एक और इसमें अरेंजमेंट होता है। तो कैलेंडरिंग में सिर्फ रोलर है, लेकिन रोलर्स के अरेंजमेंट बहुत टाइप से हो सकते हैं। इट इज कॉल्ड स्विसिंग और नॉर्मल ग्लॉस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक सिलेंडर आपका कोल्ड होगा। यूजुअली हम कैलेंडरिंग में आपके दोनों सिलेंडर हीटेड होते हैं, इसमें एक सिलेंडर आपका कोल्ड होगा। स्मूथ और फ्लैट फैब्रिक आपको प्रूव करेगा। तो ये क्या है कि इसमें सेवन बाउल मल्टीपर्पज कैलेंडर हम यूज करते हैं, सात रोलर यूज करते हैं, उसके बीच में से फैब्रिक को पास करते हैं विद सरफेस ग्लॉस ऑन द बोथ साइड ऑफ द फैब्रिक। तो इससे क्या, सात रोलर यूज करोगे तो कपड़े के दोनों साइड में आपके जो लस्चरस इफेक्ट है वो दोनों साइड में आएगा। सर, इसमें जो लस्टर लगाते हैं उसका कोई नाम भी होता है? नहीं, लगाते कुछ नहीं, वो ड्यू टू कैलेंडरिंग रोलर ही आती है फैब्रिक में जो लस्चर आएगा ना। जैसे देख रहे हो ना आप, ये फोर रोलर अरेंजमेंट है, तो इसमें हमने फैब्रिक ऐसे पास किया, ये फाइव रोल अरेंजमेंट है, और ये हम अभी बात कर रहे हैं रोल, उसमें सेवन रोल अरेंजमेंट होता है, सात रोलर होते हैं ऐसे। तो ये आपस में ऐसे कि हो सकता है अल्टरनेट रोलर हीट हो या सारे हीट हो, ठीक। तो फैब्रिक को जब हम हाई प्रेशर होता है, इसके और इसके बीच में प्रेशर बहुत हाई रहेगा, तो फैब्रिक जब इनके बीच में आएगा तो आपका यार्न क्या है, दबेगा। तो यार्न दबेगा तो फ्लैट होगा, उसकी वजह से आपका, और ड्यू टू फ्रिक्शन ऑल्सो, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन भी होता है, तो उससे फैब्रिक का अपीयरेंस आपका स्मूथ आएगा और लस्चरस आएगा। तो इसमें क्या, रोलर्स का टाइप अलग अलग होता है कई बार, जैसे कहीं पे हम स्टील पॉलिश रोलर यूज कर लेते हैं, ठीक है, कहीं पे हम कॉपर रोलर यूज करते हैं। तो अलग अलग रोलर अरेंजमेंट और रोलर डायामीटर, रोलर प्रेशर, और रोलर में भी देखो ऐसे कि इसको बोलते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये एक उसमें है, एक एंगल पे है, यहाँ नीचे आके मतलब ये एल रोल बोलते हैं क्योंकि ये एल शेप में है ना, इसको और एल अरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये एस अरेंजमेंट भी हो सकता है, जिसमें एस शेप में ये रोलर एंगल पे भी हो सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस एरिया आप देखोगे दोनों रोलर के बीच में फैब्रिक पे वो कम होता है, लेकिन आप इसको एंगल पे सेट करोगे ना तो जो कॉन्टेक्ट एरिया है बिटवीन रोलर एंड फैब्रिक वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए इसको अलग अलग एंगल पे भी आप लगा सकते हैं कैलेंडरिंग में। तो इसमें ही एक अरेंजमेंट होता है फ्रिक्शन कैलेंडरिंग जिसको बोलते हैं। फ्रिक्शन कैलेंडरिंग में क्या होता है कि द टॉप फोर बाउल्स ऑफ सेवन बाउल में भी लिफ्टेड, यानी कि हम थ्री रोल प्रोसेस है, यानी इसमें हम थ्री रोल यूज करते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है ना, तो इसमें क्या है, फाइव रोल या सेवन रोल कैलेंडरिंग में अरेंजमेंट ये होता है कि आप ये रोलर को लिफ्ट कर सकते हो, आपके पास ये फ्रीडम होती है कि आपको दो ही रोलर यूज करने या तीन करने या चार करने या पांच करने। तो इसलिए जो बड़ा, अगर किसी के पास सेवन रोल का कैलेंडर है तो इफ यू वांट टू यूज फोर रोल दिस अरेंजमेंट, तो ये क्या, ऊपर वाले सिलेंडर लिफ्ट कर देंगे, बाकी फैब्रिक को यहाँ से पास करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। यानी ये जो अरेंजमेंट है ना, ये फोर रोल वाला अरेंजमेंट, ये इसमें भी पॉसिबल है। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ अपर वाला ये रोलर है इसको लिफ्ट करना है, तो ये अरेंजमेंट वहाँ होता है। तो ये हम फ्रिक्शन कैलेंडरिंग बता रहे हैं, वो थ्री रोल अरेंजमेंट का है, यानी उसमें फैब्रिक में ऐसे तीन रोल का अरेंजमेंट रहेगा, उससे ही आपका फ्रिक्शन कैलेंडरिंग होगा। तो ये क्या, हाई डिग्री ऑफ लस्चर प्रोड्यूस करता है वन साइड, ठीक है, वन साइड ऑफ द फैब्रिक विच टचेज द आयरन बाउल।
द फैब्रिक गिव्स हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक ग्लेज्ड कॉटन फैब्रिक. तो हाईली पॉलिश किया हुआ फैब्रिक आपको ऐसा सरफेस ये देता है. अच्छा, फ्रिक्शन कैलेंडरिंग में क्या होता है कि आपका फैब्रिक का जो स्पीड है वो रहेगा कम और रोलर का स्पीड रहेगा ज्यादा. तो इट विल फ्रिक्शन इफेक्ट आएगा, यानी कि वो रोलर कपड़े को रगड़ के भी चलेगा, इसलिए इसको फ्रिक्शन कैलेंडरिंग बोलते हैं. तो उससे क्या है, जो सर जो वो है आपके लश्चर है वो काफी ज्यादा आती है जब आप फ्रिक्शन अरेंजमेंट यूज कर रहे हो. तो सो इट प्रोड्यूसेस वेरी हाई ग्लॉस रिक्वायर्ड इन द फैब्रिक. अगर आपको बहुत ज्यादा और भी ज्यादा ग्लॉसिंग चाहिए तो क्या है, आप पहले कपड़े को वैक्स इमल्सन में इम्प्रिग्नेट कर दो, यानी कपड़े को वैक्स इमल्सन से पास कराओ, देन प्रोड्यूस द फ्रिक्शन कैलेंडरिंग. ठीक है, अप्लाई फ्रिक्शन कैलेंडरिंग अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा हाई ग्लॉसी फैब्रिक आपका में आफ्टर द कैलेंडरिंग वी विल हैव. ठीक, लेकिन जो ये जो अरेंजमेंट है वैक्स इमल्सन वाला, तो ये जो वो है वो टेम्परेरी है. मैंने पहले ही बताया था मैकेनिकल फिनिश मोस्टली टेम्परेरी होती है, लेकिन हम इसको अगर रेजिन बोलते हैं कि वो हम एंटी क्रीज एंटी रिंकल में जो यूज करते हैं वो उसके केमिकल है DMU और DMDHU, डाइमिथाइल यूरिया, डाइमिथाइल डाइहाइड्रोक्सी एथिलीन यूरिया, ऐसे करके केमिकल है. तो वो जो उसको रेजिन बोलते हैं. तो अगर वो रेजिन में आप रेजिन से पहले ट्रीट कर रहे हो और बाद में कैलेंडरिंग कर रहे हो तो ये जो इफेक्ट है ग्लॉसी वाला ये ऑलमोस्ट परमानेंट हो जाएगा उसमें, और एज वेल एज क्रीज रेजिस्टेंस भी आपका फैब्रिक. ठीक, तो इसी को ग्लेज कैलेंडरिंग, इसको ग्लेज कैलेंडरिंग बोलते हैं, इसी को फ्रिक्शन कैलेंडरिंग बोलते हैं. तो ये क्या हाईली पॉलिश्ड और हाईली शाइनिंग वाला फैब्रिक इससे हमें मिलेगा. सो द मशीन यूज्ड इज कॉल्ड फ्रिक्शन कैलेंडर और चेजिंग कैलेंडर. होता कैलेंडरिंग ये, इसमें क्या कि ये मैं आपको बता रहा था ना कि इसमें वन ऑफ द हाईली पॉलिश्ड स्टील सिलेंडर्स, इसमें जो हाईली पॉलिश्ड यानी ब्राइट स्टील सिलेंडर्स होंगे तो वो क्या है, स्टील सिलेंडर्स का स्पीड ज्यादा होगा फैब्रिक से, जो हम फैब्रिक उसमें से पास कर रहे हैं, फैब्रिक का स्पीड कम होगा और सिलेंडर्स का ज्यादा होगा. उसकी वजह से ये फ्रिक्शन जैसे रब करके चलेगा, फ्रिक्शन इफेक्ट आएगा कपड़े पे और उसकी वजह से पॉलिशिंग इफेक्ट आपके फैब्रिक पे आएगा. विद द ग्लेज ये फ्रिक्शन कैलेंडरिंग अगर आप रेजिन फिनिश दे रहे हो इट इज ड्यूरेबल, अदरवाइज इट इज टेम्परेरी फिनिश. ठीक है, क्योंकि वैक्स और स्टार्च हम इसके साथ में यूज कर रहे हैं, यानी इससे पहले करना होता है. वो रेजिन फिनिश भी दे रहे हैं तो इट इज ऑल्सो बिफोर द कैलेंडरिंग, और वैक्स और स्टार्च फिनिशिंग वी आर अप्लाइंग दैट इज ऑल्सो बिफोर द कैलेंडरिंग. तो रेजिन फिनिश अप्लाई किया तो इट विल बी ड्यूरेबल. ठीक है, और आपने इमल्सन वैक्स इमल्सन अप्लाई किया है तो इट विल बी ऑल्सो टेम्परेरी. तो यूज क्या है इन फैब्रिक्स का, कर्टेन्स में है, ड्रेपरीज में है, ड्रेसेस में है, स्पोर्ट्स वियर में है, स्लिप कवर्स में है. नेक्स्ट है आपका श्रीनियर कैलेंडरिंग. तो ये क्या फैब्रिक में सिल्क की अपियरेंस लाने के लिए ये अरेंजमेंट किया जाता है, ये भी कैलेंडरिंग का ही वो है अरेंजमेंट. तो इसमें थ्री बोल कैलेंडर यानी तीन कैलेंडर यूज, तीन रोलर यूज किए जाएंगे. यहाँ पे भी हम थ्री बोल, फोर बोल, फाइव बोल और सेवन बोल यूज कर रहे हैं, उसका मतलब है कि नंबर ऑफ रोलर्स. तो यहाँ पे हम थ्री रोलर्स यूज करेंगे. इट विल प्रोड्यूस सॉफ्ट स्मूथ लस्टर ऑन द फैब्रिक एंड इम्प्रूव फैब्रिक कवर. ठीक है, फैब्रिक कवर मतलब आपका जो यार है दे विल बी क्लोजर टू ईच अदर, तो उससे उसका कवर भी इम्प्रूव होगा. इसमें क्या है कि इसमें जो रोलर है आपका मेटल रोलर दैट विल बी एनग्रेव्ड, जैसे प्रिंटिंग में हम कोई डिजाइन एनग्रेव करते थे ना रोलर प्रिंटिंग में, ऐसे ही इसमें मेटल रोलर एनग्रेव होगा विद द फाइन लाइंस, डायगोनल लाइन होंगी. तो लाइन कितनी होंगी, 200 से 300 लाइंस पर इंच. तो सोच लो आप कितना फाइन लाइंस विल बी एनग्रेव्ड ऑन द मेटल रोलर. बस यही इसमें है कि रोलर चेंज है, बाकी अरेंजमेंट वो रोलर हीटेड होगा और फैब्रिक को हम उसमें से पास करेंगे अंडर द प्रेशर, दोनों रोलर प्रेशर कंडीशन में होंगे. दिस फिनिश स्कैटर्ड द लाइट रेज एंड प्रोड्यूस अ डीप स्कैटर लस्टर रादर देन द शाइन. तो ये आपको सिल्की वाला इफेक्ट देगा. इट कैन अपग्रेड लो क्वालिटी कॉटन फैब्रिक, मतलब जहाँ पे लो क्वालिटी कॉटन फैब्रिक में अगर ये फिनिशिंग दे दिया तो ये आपको उस फैब्रिक को अपग्रेड करके मतलब अपियरेंस में
काफी इम्प्रूवमेंट लाएगा। सॉफ्ट ओपेक लिंजरी फैब्रिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्राइक्रोट नेट्स मे बी गिवन दिस फिनिश। तो जो लिंजरी फैब्रिक है सॉफ्ट ओपेक, उसमें हम ये फिनिश दे सकते हैं टू इम्पार्ट द लस्टर एंड सॉफ्टनेस। एम्बॉस्ड कैलेंडरिंग, ठीक है, एम्बॉस्ड कैलेंडरिंग में क्या होता है कि जैसे हम रोलर प्रिंटिंग में क्या कर रहे थे कि प्रिंटिंग में हम रोलर पे डिजाइन एंग्रेव कर रहे थे, तो एम्बॉस्ड कैलेंडरिंग इज ऑल्सो सेम कि रोलर पे डिजाइन एंग्रेव्ड होगा, बस वी आर नॉट यूजिंग एनी कलर और डाई और प्रिंटिंग पेस्ट हियर। तो वो डिजाइन को आप जब फैब्रिक के बीच में से आप रोलर्स के बीच में से पास कराएंगे हाई प्रेशर पे, तो दैट डिजाइन विल बी ट्रांसफर टू द फैब्रिक हाई प्रेशर पे। तो थ्री डायमेंशनल डिजाइन जैसे आपका फैब्रिक पे आता है, ठीक है। सम एम्बॉस्ड फैब्रिक आर मेड ऑफ इमीडिएट मोर कॉस्टली वोवन जैकार्ड और डोबी डिजाइन, यानी कि हम विदाउट जैकार्ड और डोबी यूज किए हुए अगर हमें कोई डिजाइन फैब्रिक पे लगाना है तो वो वहां पर हम एम्बॉसिंग एम्बॉस्ड कैलेंडरिंग यूज करते हैं। तो एम्बॉस्ड फैब्रिक रिवील रेगुलर कंसिस्टेंट वीव, यानी प्लेन या ट्विल वीव का ही होगा, यानी प्लेन या ट्विल वीव के फैब्रिक पे ही हमें कोई बड़ा डिजाइन जैकार्ड टाइप का इम्पार्ट करना है, देन वी विल यूज एम्बॉस्ड कैलेंडरिंग। इसमें प्लेन ट्विल वीव पे आप यूज कर सकते हो, लेकिन जो भी और जैकार्ड में अगर आपका डिजाइन बड़ा है तो यार्न फ्लोट, यानी कि यार्न जो यार्न का इंटरलेसमेंट कम होता है डिजाइंड एरिया में, और यार्न थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लोट करता है, यानी फैब्रिक की सरफेस पर रहेगा। तो एम्बॉस्ड पैटर्न ऑफ फैब्रिक्स प्री ट्रीटेड विद रेजिन एंड क्योर्ड आफ्टर एम्बॉसिंग आर ड्यूरेबल, तो ये आपका परमानेंट फिनिश है। लेकिन किस कंडीशन में, जब आप फैब्रिक को प्री ट्रीट कर रहे हो विद रेजिन, रेजिन मतलब DMDHU, और आफ्टर एम्बॉसिंग आप उसको क्योर कर रहे हो हाई टेम्परेचर पर। क्योरिंग मतलब आपका 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट होता है अराउंड 160-180 डिग्री टेम्परेचर पर। तो एम्बॉस्ड पैटर्न आपका फैब्रिक पे परमानेंट तब होता है जब हम उसको पहले रेजिन से ट्रीट कर रहे हैं, फिर एम्बॉसिंग कर रहे हैं, और देन वी आर क्योरिंग इट। तो इसमें थ्री बॉल कैलेंडरिंग सिस्टम यूज करते हैं विच प्रोड्यूस थ्री डायमेंशनल डिजाइन ऑन फैब्रिक। फोटो दिखाएंगे कि कैसा इफेक्ट होता है इसका। अच्छा, ये आपके जो स्पेशली सिंथेटिक फैब्रिक्स हैं, थर्मोप्लास्टिक फैब्रिक्स, वहाँ पे तो वैसे ही हीट सेट से ही हो जाता है, यानी कि आपको क्योरिंग या वो देने की जरूरत नहीं है, रेजिन में देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ तो आपने सिंपल रोलर से पास किया, बिकॉज ऑफ द हीट वो डिजाइन आपका फैब्रिक पे इम्पार्ट हो जाएगा। कॉटन फैब्रिक को अगर आपको कैलेंडरिंग करना है तो आपको उसमें रेजिन और क्योरिंग दोनों करना पड़ेगा, विच विल गिव यू ड्यूरेबल इफेक्ट। एक तो ये क्या है कि हमें कोई फैब्रिक पे डिजाइन प्रोड्यूस करनी है सस्ते में, यानी एम्बॉस डिजाइन प्रोवाइड सरफेस टेक्सचर एट ए लोअर कॉस्ट देन द डू वोवन डिजाइन, क्योंकि वीविंग में आप जानते हो अगर आपको बड़ा डिजाइन बनाना है तो आपको जैकार्ड यूज करना पड़ेगा। जैकार्ड यूज करने में, जैकार्ड इटसेल्फ ए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है कंपेरेटिव टू प्लेन वोवन फैब्रिक और आपके ट्विल वोवन फैब्रिक। जैकार्ड वोवन फैब्रिक का वो प्रोडक्शन भी कम होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जैकार्ड का। ये कि एम्बॉस्ड फैब्रिक शुड नॉट बी आयरन और प्रेस्ड एज द डिजाइन मे बी डिमिनिश्ड बाय द प्रेशर, क्योंकि इस पे जो डिजाइन है वो 3D डिजाइन होती है, अगर आपने बाद में उसको हीट से प्रेस आयरन कर दिया तो वो डिजाइन आपका डिमिनिश हो सकता है बाय द प्रेशर एंड हीट। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए हमें वो फैब्रिक को आयरन या प्रेस नहीं करना है। ठीक, इसका हम कैसा डिजाइन आता है वो वी विल शो यू ऑन नेक्स्ट डायग्राम। ये देखो, ये डिजाइन मान लो हमको फैब्रिक पे, ये डिजाइन फैब्रिक पे हमें इम्पार्ट करना है, तो ऐसे इनग्रेव होगा कपड़े पे, और वो कपड़े को हम रोलर्स के बीच में डालेंगे, तो इस टाइप के डिजाइन आप फैब्रिक पे इम्पार्ट कर सकते हैं। ये प्रिंटेड नहीं है, देखो ये प्रिंटेड डिजाइन नहीं है, डाइड नहीं है, ये सिर्फ हीट की वजह से ये है जो डिजाइन इनग्रेव है फैब्रिक पे, वहाँ वहाँ ये आपके अंदर की साइड में ये डिजाइन फैब्रिक पे इम्पार्ट हो जाएगा। ठीक,
हीटिंग से वो किया है, इम्पार्ट किया है, ठीक है, कोई प्रिंटिंग तो किया नहीं है, तो ये रिवर्सिबल है। जब आप वॉश डिजाइन करते हो, डिजाइन वॉश करते हो तो ये डिजाइन वापस से जा सकता है। तो लेकिन जब आप रेजिन लगाओगे फैब्रिक को, पहले रेजिन से ट्रीट करोगे और फिर ये एंग्रेविंग, ये कैलेंडरिंग करोगे ना प्रेसिंग में, तो ये इफेक्ट थोड़ा परमानेंट रहेगा, मतलब वॉश करने पे नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी इसको आयरनिंग करना इज नॉट एडवाइजेबल, कि इसको आयरनिंग आप नहीं करें प्रेशर में, क्योंकि आयरन किया आपने तो ये आपका डिजाइन डिसअपीयर हो सकता है धीरे धीरे करके, या लाइट हो जाएगा, क्योंकि ये मैकेनिकल तरीके से हम डिजाइन इम्पार्ट कर रहे हैं फैब्रिक पे, ना कि प्रिंटिंग से या डाइंग से। तो इसमें कलर वेरिएशन भी आपका आएगा नहीं, सिर्फ सेम शेड है, देख रहे हो आप, ये और ये सेम शेड है, यहाँ ज्यादा ब्राइट है यहाँ कम ब्राइट है, इतना फर्क है, कलर सेम है इसमें, तो ये डिजाइन इसमें कलर सेम ही रहेगा, ये पूरा ओवरऑल कलर सेम रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आपका मोयरे इफेक्ट आता है एक फैब्रिक पे, वो भी आपका क्लाउडेड सरफेस या वाटर्ड सरफेस जो है वो आपको, इसको समटाइम गुड ग्रेन पैटर्न भी बोलते हैं, ये भी फेस साइड ऑफ द फैब्रिक होता है, तो ये भी हम इससे यूज कर सकते हैं, ये कैलेंडरिंग से इम्पार्ट कर सकते हैं फैब्रिक। ठीक है, तो इसमें एक तो यही है कि एनग्रेव सिलेंडर रोलर यूज लिया आपने, जो क्या करेगा, विच विल फ्लैटन वन पार्ट, एक पार्ट को ज्यादा फ्लैटन करेगा और एक को कम करेगा। इन शॉर्ट ये जो हम अभी बता रहे थे आपको, ये एम्बोजिंग कैलेंडरिंग उसका ही एक टाइप है ये, बट इसमें रोलर का जो डिजाइन है दैट इज डिफरेंट, स्पेशल होता है वो डिजाइन। सेकंड रोलर, एक रोलर इसमें भी इंग्रेव्ड वाला यूज करेंगे हम, दूसरा रोलर आपका सॉफ्ट सेकंड और स्मूथ रोलर रहेगा। ठीक, तो इन दिस मेथड टू फैब्रिक्स ईच फेस टू फेस आर फेड थ्रू द सिलेंडर, यानी एक साथ दो फैब्रिक हम उसमें इम्पार्ट करते हैं। So ripped fabric like taffeta or felly are necessary for this process. The pressure on the calendar roller is maintained to about 8 to 10 tons. Yani dono roller ke beech mein pressure 8 se 10 ton ke beech mein rahega. To ye finish kya aapka temporary ho sakti hai, durable ho sakti hai aur permanent. Yani ki agar aapne resin nahi dala, resin treated nahi kiya to ye temporary hogi. Agar aapne resin treated kiya to ye durable hogi. फॉर द कैलेंडरिंग अगर आपने फैब्रिक को रेजिन ट्रीट किया है तो वो आपका परमानेंट होगा। ठीक, तो इसका भी हम आपको नेक्स्ट रूम उसमें दिखाएंगे फोटो। ये सब पैटर्न, इस टाइप का पैटर्न अगर हमें, ये वुड पैटर्न है देख रहे हो आप, ये जो है वुड पैटर्न है, लकड़ी पे या हमारे टेबल प्लाई पे जो पैटर्न आता है, इफ यू वॉन्ट टू impart this kind of pattern fabric, it is called mohair calendaring. Next is napping and brushing. So napping and brushing क्या है? ये आपका texture और hand feel improve करता है fabric का. It is also a mechanical finishing for woven and knitted fabrics. तो इसमें क्या है कि जो आपका roller है उसपे छोटे-छोटे wire रहेंगे, short wires. तो ये क्या fabric से फैब्रिक को रेज करने का प्रोसेस है, यानी कि ये फ्रिक्शन से फैब्रिक में जो फाइबर्स हैं उनको रेज करेगा बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, सो इट विल प्रोड्यूस अ पाइल इफेक्ट ऑन द फैब्रिक व्हिच विल प्रोवाइड यू सॉफ्टर हैंड एंड बेटर इंसुलेशन। वाइडली यूज्ड इन ब्लैंकेट, आपने वो वुलन ब्लैंकेट का देखा है कभी? वुलन ब्लैंकेट में ये किया जाता है, ठीक है, रेजिंग भी बोलते हैं इसको, रेजिंग फिनिशिंग, आर ए एस आई एन जी, रेजिंग। So it is widely used in woolen blanket, sleepwear and winter clothing. So woolen blanket में कैसे होता है कि पहले आपने फैब्रिक को, फैब्रिक बना लिया, डाई कर लिया, ठीक है, डाई करने के बाद उसको थोड़ा सॉफ्ट नास के लिए बीट भी करते हैं और उसके बाद रेजिंग के लिए ब्रश्ड जो है ये वायर कवर्ड आपका रोलर है उसमें से पास कराते हैं, तो बिकॉज ऑफ द वायर्स वो आपके ब्लैंकेट में से फाइबर्स को थोड़ा निकाल लेगा। तो हम देखते हैं ना ब्लैंकेट का स्ट्रक्चर फिब्रस होता है, ऊपर से फिब्रस, बेसिकली वो वोवन फैब्रिक है लेकिन हमें लगता कैसे है एकदम नॉन वोवन टाइप का कि जिसपे फाइबर बाहर निकले हुए हैं।
So as a pre-treatment, the fabric should be padded with a softener to make the fiber in the yarn to slide freely during the napping operation. So इसमें क्या है कि पहले आपको softening करनी पड़ती है before the napping or brushing fabric को. तो softening के लिए अलग अलग process है. कहीं कहीं हम softener से भी काम करते हैं. कहीं कहीं हम इसमें शायद ब्लैंकेट में शायद ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं थोड़ा फॉर द सॉफ्टनिंग. ठीक है, आप कहीं कहीं ये स्टोन वॉशिंग भी कर देते हैं फॉर सॉफ्टनिंग. ठीक, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या है कि सब्जेक्ट टू पिलिंग इन पर्टिकुलरली स्लीव एंड्स, कोट फ्रंट एंड बटन होल्स. यानी कि ये हम जो कर रहे हैं ये आपके जो सिंजिंग हमने प्रोसेस बताया था ना उसका अपोजिट है. सिंजिंग में क्या कर रहे थे हम, प्रोट्रूडिंग फाइबर्स बर्न कर रहे थे. यहाँ पर हम protruding fiber generate कर रहे हैं from the fabric. ठीक, तो napping is को भी हम brushing, raging और gigging भी बोलते हैं. तो ये सब fabrics में नहीं होती. Usually woolen blankets या आपके winter clothing जो है उसमें होती है because it increases the insulation of the fabric. तो आपका blanket का जो insulation है, यानी जो blanket की जो गर्म करने की वो है capacity है, उसको increase करता है. देखो ये देख रहे हो आप, ये वोवन ब्लैंकेट है जैसे बिफोर द रेजिंग फिनिश, और ये आपका रेज करने के बाद है. तो ये आपका जैसे फैब्रिक है, और ये हाँ ये भी है कि दीज रोलर्स विल मूव द फास्टर. ये रोलर का स्पीड जो सरफेस स्पीड है इट विल बी मोर देन द स्पीड ऑफ द फैब्रिक. तो इसकी वजह से ये बायर ये फैब्रिक को रब करके पुल फाइबर्स उसमें से पुल कर लेते हैं. ठीक, तो ये आपका इसको बोलते हैं पाइल रोलर, और इसको बोलते हैं काउंटर पाइल रोलर. काउंटर पाइल रोलर ट्रेवल स्लोअर देन द क्लॉथ टू डू नैपिंग. ये क्लॉथ से कम स्पीड रहेगा इसका, और इसका स्पीड कपड़े से ज्यादा रहेगा. तो आपका फाइबर एंड्स और फाइबर्स विल रेज फ्रॉम द पीप बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल ब्रशिंग एक्शन. ये आपका नॉर्मल फैब्रिक है, दिस इज योर रेज्ड फैब्रिक. तो इसमें हम देख सकते हैं फाइबर निकले हुए हैं बाहर, वुलन ब्लैंकेट है. ठीक, तो इस टाइप का इसमें अरे अलग अलग अरेंजमेंट है. ये आपके ब्रशिंग भी है, क्योंकि इसके बाद जो फाइबर्स उसमें फैब्रिक में इंटेंगल नहीं है उसको रिमूव करने के लिए हम ब्रशिंग भी करते हैं. ये नॉर्मल ब्रश है, लेकिन ये आपका नैपिंग रोलर है. बीटलिंग मतलब है कि ये भी आपको फैब्रिक में सॉफ्टनेस इम्पार्ट करते हैं, इससे भी सॉफ्टनेस और लस्टर दोनों इम्पार्ट होता है फैब्रिक में. बीटलिंग मतलब है कि बीट करना फैब्रिक को. तो इसके लिए यूजुअली वुडन बीटलर इज यूज्ड टू फ्लैटन द यार्न इन द फैब्रिक स्ट्रक्चर. ठीक है, इट इज ऑल्सो मैकेनिकल फिनिश. तो इसमें जब फैब्रिक रोल्स के ऊपर रैप करके वुडन ब्लैंक वुडन बीटलर से बीट किया जाता है फैब्रिक. Because of the beating action, yarns become flat. ठीक है, yarn becomes flat. उसकी वजह से the closeness of weave structure will be increased. यानी आपका air permeability will be decreased. यानी जो yarn है वो पास पास में आ जाएंगे. It will impart firm appearance. It will increase the softness and lustres also. Provide simulated linen look to cotton fabric. तो ये जो कॉटन लिनन हम जिसको बोलते हैं, बेसिकली लिनन जो फैब्रिक होता है दैट इज नॉट मेड अप ऑफ कॉटन, वो आपके फ्लेक्स फाइबर से बनता है. लेकिन आजकल मार्केट में आप देख रहे हो कि कॉटन का ही स्लब यार्न यूज करके उसको लिनन जैसा लुक दे देते हैं. दैट आर बेसिकली कॉटन फैब्रिक बट लुक्स लाइक लिनन फैब्रिक. तो वो फैब्रिक्स में हम इस टाइप का फिनिशिंग देते हैं. ये आपको लिनन लुक देगा कॉटन फैब्रिक में. Beetling is a finish used on linen and fabric resembling linen. As the fabric resorbs slowly over a wooden drum pe fabric jaise hi jayega, it was beaten with a wooden hammer until the yarn flattened into an oval cross section. Yani jo round cross section hai yarn ka, circular cross section hai, usko beat karke hum oval cross section mein convert karte hain. Theek hai, because of the oval cross section yarn flatten hoga to आपका बीप भी टाइट होगी. यानी दो बार या दो वेफ्ट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट विल बी रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द फ्लैटनिंग ऑफ द यार्न.
So it will increase the surface area on the surface of the fabric, which will increase the fabric luster, absorbency and smoothness. तो इस टाइप में और भी आपके कई सारे फिनिश हैं, जिसमें आपके सीडिंग भी बोलते हैं, सैंडिंग भी, पीच फिनिश भी बोलते हैं इसको, विच विल प्रोड्यूस स्मूथ एंड सॉफ्ट एंड सिल्की फील. तो इसमें क्या है, इसमें हम सीडिंग, सैंडिंग और पीच फिनिश में जो रोलर है उस पर एम्ब्री पेपर होता है. एम्ब्री पेपर तो यू नो जो हम रब करने के लिए दीवार या ये सब आयरनिंग में पॉलिशिंग के लिए जो काम लेते हैं, दैट एम्ब्री पेपर इज यूज्ड ऑन रोलर. रेगमार्क बोलते हैं ना सर उसको, रेगमार्क जिसको बोलते हैं, सैंड पेपर, सैंड पेपर भी बोलते हैं, सैंड पेपर. हां जी. सो द फैब्रिक इज पास्ड ओवर अ सीरीज ऑफ रोलर कवर्ड विद अ सैंड पेपर लाइक एब्रेसिव मटेरियल, यानी रेगमार्क से कवर्ड रोलर्स होंगे. तो इट विल एब्रेड द सरफेस. तो इसमें क्या है कि जो हम रेजिंग फिनिश कर रहे हैं उससे थोड़ा कम इफेक्ट आएगा. रेजिंग फिनिश में तो टोटल फाइबर पुल आउट हो रहे थे, यहाँ फाइबर पुल आउट नहीं होके एब्रेज होंगे, यानी रब होंगे. तो सीडिंग में आपके स्पीड होती है 15 से 20 मिनट पर मिनट, मीटर्स पर मिनट. तो टू मच एब्रेजन और टू कोर्स एन एब्रेजन रिप्स और टियर द फैब्रिक. तो इसमें एब्रेजन का कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा एब्रेजन आपने कर दिया तो फैब्रिक को, इट में टियर द फैब्रिक. टू लिटिल एब्रेजन में जनरेट sufficient heat to produce harsh end with thermoplastic fiber. So the process damage the fiber can decrease its tensile strength. So ye process mein aapko kya kya dhyan rakhne wali cheez hai, ek to speed aur abrasion ka amount of abrasion, yani sandpaper hum jo use le kar rahe hain wo number se aata hai. Aapko reg mal jo dekhte hain mota chota barik aise aata hai. So we cannot use greater size of emery paper. तो वो आपको मैनेज करना होता है, क्योंकि ज्यादा एब्रेजन की वजह से फैब्रिक आपका टियर हो सकता है, और कम एब्रेजन की वजह से जो आपका, स्पेशली अगर आप सिंथेटिक फाइबर को प्रोसेस कर रहे हो तो इट मे बिकम हार्ड हैंड, और दिस प्रोसेस कैन डैमेज द टेंसाइल प्रॉपर्टी ऑफ द फैब्रिक ऑल्सो. तो ये आपके इसमें रोलर टाइप के हैं, ठीक है, सीडिंग रोलर विच इज कवर्ड विद एम्ब्री पेपर. इससे ही आपके ये सब फैब्रिक्स में, ये होम टेक्सटाइल में ये इससे हम देते हैं. तो इससे सॉफ्टर अपीयरेंस जो है, सोफा कवर हुए, आपके पिलो कवर्स हुए, इससे सॉफ्टनिंग प्रॉपर्टी विल बी इम्पार्टेड इन द फैब्रिक. तो ये हमने मेन आपको मैकेनिकल फिनिश बताई है, ठीक है. इसके अलावा भी आएगी एक श्रिंकेज कंट्रोल, जिसको सेंफोराइजिंग हम बोलते हैं, एक वो होती है सेंफोराइजिंग मैकेनिकल फिनिश, ठीक, वो भी बता देंगे हम. क्या बात है, केमिकल फिनिश. तो केमिकल फिनिशिंग में वी विल टेल यू ओनली द नेम ऑफ केमिकल्स, कि किस फिनिशिंग में कौन सा केमिकल यूज होता है. बाकी इसमें प्रोसेस या मशीनरी कोई ऐसे हाई फंडू कुछ यूज होता नहीं है, स्टेंटर यूज करते हैं बेसिकली. ये केमिकल्स में पैड किया, फेब्रिक को ड्राई किया, और देन क्योरिंग. तो क्योरिंग के लिए स्टेंटर काम में लेते हैं. तो स्टेंटर पर हीट सेटिंग भी होती है, ये हमने आपको उस दिन बताया था. स्टेंटर दोनों जगह काम आता है, प्री ट्रीटमेंट में भी काम आएगा और फिनिशिंग में भी काम आता है. तो कौन कौन से उसके लिए कौन कौन से केमिकल होते हैं, तो स्टिफनिंग एजेंट कौन कौन से आपके, स्टिफनिंग एजेंट जनरली हम वहाँ काम में लेते हैं जहाँ हमें फैब्रिक में वेट इम्पार्ट करना होता है, वजन ऐड करना होता है. यानी फैब्रिक का स्ट्रेंथ बहुत कम है, बहुत फाइन है कपड़ा, तो उसमें अगर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है तो उसको हम स्टिफनिंग एजेंट बोल देते हैं. इट इंक्लूड्स स्टार्च. तो ये जीएसएम बढ़ाने के काम करता है सर. हाँ, जीएसएम बढ़ाने का काम, जैसे वो, जैसे आपके कॉलर के अंदर जो कपड़ा होता है ना बकरम क्लॉथ, उसमें करते हैं ना स्टार्च इंपार्ट करते हैं. तो स्टार्च आपको मिल सकता है, कॉर्न स्टार्च हो सकता है, वीट स्टार्च हो सकता है, पोटेटो स्टार्च हो सकता है, मेज स्टार्च. तो ये तो सब स्टार्च ही है आपके, यहाँ तक सागो तक. नहीं, स्टार्च जो होता है सर वो तो कपड़े को हार्ड कर देता है. हाँ, तो ये इसका काम, कपड़े को हार्ड बिना किए हुए कोई ऐसा कुछ, ये हम, जैसे आपने कॉलर वाला कपड़ा है ना, कॉलर के अंदर जो कपड़ा लगता है व्हाइट कलर का, बकरम क्लॉथ जिसको बोलते हैं, उसको हमें हार्डी करना होता है ना. वी वांट दैट फैब्रिक हार्ड, कि हमारा कॉलर ताकि हार्ड रहे. ओनली सर जीएसएम बढ़ाने के लिए सर कोई ऐसा कुछ है केमिकल कोई?
वही तो स्टार्च ही तो है जीएसएम, तो सॉफ्ट भी रहे और वेट ऐड होगा ना फैब्रिक में, तो जीएसएम अपने आप बढ़ जाएगा सर। सॉफ्ट भी रखनी है एज इट इज और जीएसएम भी बढ़ानी है। सॉफ्ट नहीं रखा ऐसा कुछ, वो बहुत मुश्किल है फैब्रिक। अगर आपने जीएसएम बढ़ाया तो फैब्रिक स्टिप होगा। आइए एक सीएमसी वगैरह से आप कई बार कहना ऐसा केस आ जाते हैं। सीएमसी कार्बन मिथाइल सेलुलोज है ना जो सीएमसी, हाँ जी ठीक है, सीएमसी से आप यूज कर सकते हैं। उससे इतना स्टिप नहीं होगा फैब्रिक आपका, लेकिन थोड़ा बहुत होगा। सीएमसी जो हम जनरली उसमें यूज करते हैं आपके सिंथेटिक फाइबर की साइजिंग में यूज करते हैं ना, वो मिथाइल सेल, हाँ जी तो वो आप यूज कर सकते हो, उससे शायद थोड़ा बहुत हो जाए। तो ये जैसे कैसिन है तो ये तो अपने आप में बहुत महंगा प्रोडक्ट है, प्रोटीन होता है, जिलेटिन ग्लू, तो ये सब आप एज ए स्टिफनिंग एजेंट काम में ले सकते हैं। सॉफ्टनर में कौन सा आएगा आपके, ग्लिसरीन है, ग्लूकोज है, फैटी मैटर्स, टैलो, पैराफिनवैक्स, कोकोनट ऑयल, सोप, पॉलीएथिलीन इमल्सन, और अभी जो हॉट जो वो है प्रोडक्ट दैट इज योर सिलिकॉन सॉफ्टनर, ठीक है। सिलिकॉन सॉफ्टनर आज तो सिलिकॉन एंड कैटानिक जो है, ये भी कैटानिक सॉफ्टनर जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो इसमें लिखा नहीं हुआ। अभी तो मोस्टली सबसे ज्यादा पॉपुलर सिलिकॉन सॉफ्टनर ही है, उसमें आपका अलग अलग साइज आ जाता है, माइक्रो इमल्शन आता है, नैनो इमल्शन आता है, सिलिकॉन सॉफ्टनर। अरे उधर कोई नहीं है विनोद जी, ठीक। तो जो ये स्टिफनिंग एजेंट है तो ये आप बोल रहे थे ना वेटिंग मटेरियल, लेकिन इससे भी स्टिफनिंग आएगी, चाइना क्ले, टैल्क, आपकी कैल्शियम सल्फेट, लेकिन इससे भी स्टिफनेस आती है कम फैब्रिक, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब क्ले, क्ले मतलब तो आप जानते हो ना, मिट्टी होता है जो क्ले, मुल्तानी मिट्टी होता है, दैट इज कॉल्ड क्ले। तो वो भी आप फैब्रिक पे डालोगे वेट इंक्रीज करने के लिए तो भी स्टिफनेस थोड़ी बहुत आएगी कपड़े में। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो ऑप्टिमाइज करके आप ट्रायल कर सकते हो कि कितना हम बढ़ा सकते हैं कि उसका सॉफ्टनेस भी जाए नहीं और उसमें वेट भी ऐड हो जाए। उसके अलावा है एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक और एंटी माइक्रोबियल हमने बताया था, ये वहाँ यूज करते हैं या तो मेडिकल फैब्रिक्स में या आपके वूल में भी कई बार यूज करते हैं, मेनली मेडिकल फैब्रिक्स में। तो ये केमिकल हो सकते हैं, एलम हो सकता है, बोरिक एसिड हो सकता है, फिनोले हो सकता है, ऑक्जेलिक एसिड हो सकता है, जिंक सल्फेट हो सकता है, सोडियम, सिलिको फ्लोराइड, क्रिसोट। इसके अलावा ये होते होते हैं इसमें एनी मेटेलिक सॉल्ट, जैसे कि आपके टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, TiO2 है, जिंक सॉल्ट है, ठीक है, और आपके ये भी सिल्वर पार्टिकल, नैनो पार्टिकल जो है वो, तो सबसे भी आपका एंटीसेप्टिक। कॉपर के जो कॉपर पार्टिकल है, कॉपर के से भी आता है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आपके फैब्रिक में इम्पार्ट होती है। देन आपके वाटर प्रूफिंग एजेंट, तो वाटर प्रूफिंग में क्या, वाटर रिपेलेंट और वाटर प्रूफिंग में हमने कल भी डिफरेंस बताया था। वाटर प्रूफिंग मतलब है कि फैब्रिक से एयर भी पास नहीं होगी और आपका ये भी पास नहीं होगा, वाटर भी पास नहीं होगा। वाटर प्रूफिंग में हमें जनरली कोटिंग करनी पड़ती है, ठीक। और वाटर रिपेलेंट में ऐसा है कि एयर कैन पास बट आपका वाटर विल नॉट बी पास, ठीक। तो वाटर प्रूफिंग एजेंट में क्या है, जनरली हम वल्केनाइज्ड नेचुरल रबर, यानी कि रबर की कोटिंग करते हैं, दैट इज योर वाटर प्रूफिंग एजेंट। रबर या किसी पॉलीमर की भी कोटिंग कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजोल और एसीटेट, पीवीसी है, पॉलीविनाइल, विनाइलिडीन क्लोराइड, तो ये सब की कोटिंग करके हम वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी फैब्रिक में इम्पार्ट करते हैं। वाटर रिपेलेंट क्या है, मेटेलिक सोप लाइक एल्यूमिनियम स्टीरियट, पैराफिन वैक्स और वेजिटेबल वैक्स, माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स, और इसके अलावा भी इसमें ये है आपके PTFE करके होता है ना अपना, क्या बोलते हैं, बेसिकली टेफ्लॉन बेस केमिकल जो होते हैं उससे भी वाटर रिपेलेंसी आती है, वाटर रिपेलेंसी एज वेल एज स्टेन रिपेलेंसी, ठीक। पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन ऐसे करके कुछ आता है केमिकल PTFE, उससे भी वाटर रिपेलेंसी आती है। फ्लेम रिटार्डेंट कौन कौन से हो सकते हैं आपके, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड ऑफ फॉस्फेरस, फॉस्फोरस, एंटीमनी एंड बोरोन, स्पेशली फॉस्फेट एंड बोरेट्स, दीज आर द केमिकल्स विल विच विल इम्पार्ट द फ्लेम रिटार्डेंसी ऑफ द फैब्रिक।
फ्लेम रिटार्डेंसी क्या होती है कि कपड़ा जो फायर कैच करेगा, ठीक है, कैच कर, एक तो कैच लेट करेगा, कैच करने के बाद फ्लेम कितना जल्दी वो पूरा कपड़ा जलता है, तो उसका स्पीड को रिड्यूस करने को हम बोलते हैं फ्लेम रिटार्डेंसी, ठीक। तो वो आपको कई टाइप के जैसे मिलिट्री फैब्रिक्स हुए या फायर फाइटर्स के जो फैब्रिक हैं वो वही जो अपने ये नहीं रहते दमकल कर्मी जो रहते हैं उनके कपड़े हैं, तो वो सब उनका ये यूनिफॉर्म है, वहाँ हमें ये सब फिनिशिंग रिक्वायर्ड होती है। क्रीज रेजिस्टेंस और क्रॉस लिंकिंग एजेंट ये बताया था हमने, DMU और DMDHU जनरली इसमें होते हैं, डायमिथाइल यूरिया और डायमिथाइल एथिलीन यूरिया। तो DMDHU डायमिथाइल DMD डाई एथिलीन यूरिया, डाई हाइड्रोक्सी एथिलीन यूरिया होता है, ठीक है, फुल फॉर्म देख लेना एक बार, शॉर्ट में बोलते हैं DMU डायमिथाइल एथिलीन यूरिया, और नेक्स्ट है DMDHU डायमिथाइल डाई हाइड्रोक्सी एथिलीन यूरिया, ये आपका क्रीज रेजिस्टेंस और क्रॉस लिंकिंग एजेंट होता है, ठीक है। बाकी के हम कल डिस्कस करेंगे, एक मैकेनिकल फिनिश बताएंगे और श्रिंकेज वाला, और ये जो बाकी केमिकल्स हैं, कुछ कुछ केमिकल्स मिसिंग है पुराने वालों में, तो वो भी आई विल ऐड, ठीक है। श्रिंकेज वाला कल पढ़ाओगे? हाँ हाँ, श्रिंकेज वाला और एक दो इसमें केमिकल जो है वो कल बताएंगे, फिर फिनिश, ओके। ठीक है सर। सर एक चीज और पूछनी थी, ये जो बायोवास वाला होता है, ये क्या, ये इसमें कितना रिजल्ट मिल जाता है बायोवास का? कितना इससे क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो एक बार, एक मिनट सर, गए शायद हैं। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ मैं करते थे बायोवास का, बायोवास का क्या मतलब, कितना रिजल्ट मिल जाता है इस फैब्रिक को? नहीं, बायोवास वाला रिजल्ट यहाँ इससे नहीं मिलेगा आपको, बायोवास का रिजल्ट जो है वो परमानेंट है,